हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल के जो वेटिंग लिस्ट का राउंड चला हुआ है, तो ये 12th राउंड की लिस्ट भी आ गई है। भाई सारे सैनिक स्कूल ने 12th राउंड में लिस्ट जारी नहीं करी है, सरकारी सैनिक स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। मुश्किल से 10 से 12 की लिस्ट आई है। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एकदम क्लाइमैक्स चल रहा है ये राउंड का, वेटिंग लिस्ट का। और ये 8वीं वेटिंग लिस्ट है, ये 8वीं वेटिंग लिस्ट है और 12वां राउंड है। तो कैसे आप चेक करेंगे अपना नाम, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं अभी आपके सामने खोल रहा हूँ सैनिक स्कूल सतारा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और एक तरीके से बात बताई जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूँ जनरली। देखिए, ये है सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा की वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ पे देखो, ये लिखे हैं न्यू लिस्ट। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। ये 9th के लिए है, 9th के लिए। इसमें अपना नाम चेक कर लीजिए। और ये आपका है, आपका किसके लिए, दिस इज़ ये वाला आपका हो गया, ये है पूरी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम चेक कर लीजिए, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से बच्चों को देख लेना, यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट इन्होंने दे रखी है कि इन्होंने सैनिक स्कूल किन का यहाँ पे एडमिशन हुआ है, सैनिक स्कूल सतारा के लिए यहाँ पे किन किन बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो यहाँ से आप पूरा अपना इसको प्रॉपर चेक कर लीजिए कि कौन से राज्य से है। 96 का इन्होंने पूरी लिस्ट डाली है, क्लियर। तो ये इन्होंने पूरी लिस्ट दिखा दी है। अब मैं बात करूँ, अगर देखो सैनिक स्कूल झांसी ने भी, झांसी की अगर लिस्ट में बात करूँ तो सैनिक स्कूल झांसी ने भी देखो ये कर दिया पूरी लिस्ट। ये 8th राउंड, ये लिखा है 8th मेरिट लिस्ट राउंड 12, 8th मेरिट लिस्ट है और 12th राउंड है ये। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी खुल के आ जाएगा पूरा। ये देखो, ये लिस्ट हो गई पूरी। यहाँ पे अपना नाम आप प्रॉपर चेक कर लीजिए। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये भी आप देख सकते हैं, ये पूरी है 9th के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, जैसे सैनिक स्कूल ये कौन सा हो गया भाई, रेवाड़ी, सैनिक स्कूल रेवाड़ी है। तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी ने भी कर दिया राउंड, देखिए ये हो गया पूरा। क्लास 9th के लिए 7 अगस्त, क्या लास्ट डेट है ये क्लास 9th के लिए देख सकते हैं आप। 4 सीट है, 5 सीट है, 6 सीट है, ये इस तरह से इन्होंने पूरी दी थी पूरी सीट, 7 सीट इन्होंने पूरा दे रखा है भैया। सीट इतनी नहीं है, ये सारे ये सबको चेक कर रहे हैं फ़ोन करके, ठीक है। जो भी इनको विलिंग बोल देगा देन डन। और कब है, 8 और 9 अगस्त तक जाना है इन्हें, 8 से 9 अगस्त तक ये सारा है, क्लियर। ये सारी इन्होंने सारी सीट इन्होंने दिखा दी, कौन कौन सी सीट जैसे इनकी ये है अनविलिंग, जो भी इन्होंने रिमार्क्स दे रखे हैं। तो ये किसका हो गया भाई, सैनिक स्कूल। और ये हो गया क्लास 6 के लिए, ये क्लास 6 के लिए पूरी लिस्ट है 8 और 9 अगस्त। तो इस तरह से आप सारे सैनिक स्कूल की लिस्ट चेक कर सकते हैं। सारे सैनिक स्कूल ने अपनी अपनी लिस्ट डाल दी है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्लियर। तो ये 12वां राउंड है, सरकारी सैनिक स्कूल्स में आ रहे हैं राउंड। इसकी क्या वजह है, चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि इतने राउंड क्यों आ रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि सरकारी सैनिक स्कूल में भी इतने राउंड आ रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, इनमें वैकेंसी बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे क्लियर देखें तो टोटल 4 सीट थी और ये सारे ये सब थे अनविलिंग। टोटल 4 सीट का इन्होंने क्या करा, उसमें से पूरी लिस्ट में एक्सटेंडेड लिस्ट है वहाँ से निकाल लेते हैं। वैकेंसी एक ही है लेकिन 4 सीट का इन्होंने बनाया और फिर उस पर उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई फ़ोन करके, ठीक है। लेकिन इतना नंबर आ क्यों रहा है, सवाल तो ये है ना, ये नंबर आ क्यों रहा है भाई। अभी मतलब सरकारी सैनिक स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं। देखिए भाई, इसका एक मेन कारण मैं बता दूं, इसका मेन कारण है एक डिमांड ड्राफ्ट। इसका मुख्य कारण डिमांड ड्राफ्ट है। बहुत हैवी डिमांड ड्राफ्ट बनता है, 2 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई सवाल पौने 2 लाख का, इतना आसान नहीं होता पेरेंट्स के लिए पौने 2 लाख का। हालांकि इसके स्कॉलरशिप वगैरह भी है, लेकिन फिर भी वो स्कॉलरशिप होने के बाद भी दिक्कत तो आती है। हावेवर एक बात मैं पेरेंट्स से बच्चों से कहना चाहूँगा कि देखो भाई, आपके पैसे जरूर लगेंगे लेकिन सरकारी सैनिक स्कूल में करियर जरूर बनेगा बच्चों का। मेहनत बहुत हो रही है सरकारी सैनिक स्कूल में, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। आप इस झांसी सैनिक स्कूल को देखो ना, आप कितने अच्छे से सब चीज़ें इन्होंने मेंटेन करी है, हर चीज़ है इन्होंने, सब कुछ NDA वगैरह सब कुछ दिया है इन्होंने क्लियर। देखो NDA UPSC ये यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये अपना पूरा रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने अभी से कमर कस ली है, बच्चों को उस हिसाब से तैयारी कराई जा रही है वहाँ कि NDA UPSC में भेजना। और भाई बहुत बड़ी जॉब होती है NDA UPSC, एक प्रकार से समझो, क्लियर। तो ये कह रहे हैं NDA का कम्पिटेट सब कुछ डालेंगे इस पर, तो मतलब इनमें लगाए हुए पैसे आपके काम आएंगे, इनका पूरा सिस्टम है। तो आप निश्चित हो गए इनमें जा सकते हैं। ये देख लो आप, पूरा एकदम ब्लॉक होता है इनका भाई, पूरा ब्लॉक सब कुछ इनके पास, क्योंकि ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ये रेवाड़ी सैनिक स्कूल है, सारे सैनिक स्कूल में आप चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, क्लियर। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पर क्लिक करके रखो, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एकदम सॉलिड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।